वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो जो बच्चे पढ़ाई में लगे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी भी इस कंफ्यूजन में है कि हम तैयारी किसकी करें। तो सभी बच्चों ने रीट का एग्जाम दिया था, जो भी अब सेकेंड ग्रेड की तैयारी में लगे हैं। अब देखिए, कई बच्चों का अभी भी कंफ्यूजन ये है कि हम सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, या हम रीट के जो मेन रिजल्ट आएगा उसको लेकर हम बैठें, कट ऑफ को जानें और उसके बाद हम तैयारी करें। अगर ऐसा सोच रहे हैं आप सभी तो देखिए गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। और होता क्या है कई बच्चों के साथ कि अंत में उन्हें ये झटका लग जाता है कि सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया, मात्र पॉइंट से ही वो लोग रह गए। तो आप लोग ऐसा ना करें, मेरी आप लोगों के लिए यही सलाह है कि आप लोग जो भी तैयारी है अपनी, जो भी आप लोगों ने अभी तक 80% जो आप लोगों ने तैयारी अभी तक कर ली है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि 20% आप लोग थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो आगामी जो भी परीक्षाएं आएंगी तो वहां आप सफल होंगे। क्योंकि देखिए, आप लोगों को टाइम बहुत ज्यादा मिला था, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने तैयारी नहीं की है, सभी ने लगभग अच्छे से तैयारी की थी। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर होता है और कुछ टाइम ऐसा होता है, या फिर वो टाइम पर पहुंच नहीं पाए, कुछ भी व्यवस्था जो है जो कि उनके साथ अच्छे से नहीं हो पाई, इस वजह से उनका पेपर खराब हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी तो आपने की थी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया था कि बिना तैयारी के आप लोग गए थे। तो आपको क्या करना है कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 125 प्लस मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन तो श्योर है, आप लोगों का हो जाएगा, टेंशन ना करें। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए भी मेरी ये सलाह है कि बिल्कुल कट ऑफ को लेकर ना बैठे रहें कि कट ऑफ आएगी, हमारी तो अच्छे आंसर जो है वो आए हैं, नंबर बहुत अच्छे आए हैं, तो अब हम सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड ग्रेड के टीचर आप बन जाओगे, फिर भी आपको फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड के लिए लगे रहना है। वो क्यों? क्योंकि आपने जो तैयारी की है उसी के आधार मानकर ही आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो। कभी भी अगर आपने फर्स्ट जो सीढ़ी है उसको पार कर लिया है, तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचना जो है वह आपके लिए जरूरी हो जाता है। आपको पता है कि थर्ड ग्रेड का मास्टर जो है वह अब तक आपके लिए बनना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप लोग बेरोजगार हैं। लेकिन एक बार जब आप थर्ड ग्रेड के मास्टर बन जाओगे तो आप क्या सोचोगे कि अब हमें सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन क्या होगा, उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा और आप बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाओगे। यही सुनहरा अवसर होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब तक आपके पास इतना ज्यादा टाइम है कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और उन्हीं एग्जामों की तैयारी कर सकते हो जो कि आप अब तक पढ़ते आए हो। तो मेरा बस यही बोलना है आप लोगों के लिए कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा और जिन बच्चों का नहीं होगा, सभी को फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरना है और तैयारी करनी है। जिन बच्चों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है सेकंड ग्रेड का, तो वो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जुट जाएं, और जिनका सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, यानी ग्रेजुएशन में उनके दो सब्जेक्ट मिल रहे हैं जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था, तो उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट बताए थे कि यदि आपके ग्रेजुएशन में, बीएड में नहीं ग्रेजुएशन में, यदि वो दो सब्जेक्ट कॉमन आपके हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। और देखिए, जो रीट का आपका सिलेबस था वो आपके यहाँ पर बहुत काम आने वाला है सेकंड ग्रेड में। अभी कई बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा। कितना चेंज होगा, क्योंकि अभी तक क्या था कि राजस्थान का जीके एड किया जाना है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एड है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस जो है सरकार कर सकती है, उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन चीजों को लेकर चलिए अभी जो कॉमन है। तो जो पेपर वन है आपका सेकंड ग्रेड का, पेपर वन जीके का, जो कि 200 मार्क्स का है, तो इसका सिलेबस जो है वह यही रहने वाला है। एक दो पॉइंट जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसके बारे में तो हम आगे देखेंगे, लेकिन सारा सिलेबस जो है वही रहेगा। 80 मार्क्स आपके जो राजस्थान का जीके पूछा जाता है वही आपके पूछा जाने वाला है, और आपके जो 60 मार्क्स का आपका इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो है और जीके हिस्ट्री सब कुछ पूछा जाता है वह पूछा जाएगा। 20 मार्क्स आपका करंट अफेयर का होगा, तो करंट अफेयर की तो बात ऐसी होती है
कि करंट अफेयर जो है वो कई बच्चे इतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं कि उनको एक भी मार्क्स जो है वह नहीं कटने देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे अकॉर्डिंग जो है, हम जितना भी करंट अफेयर जो है जितना पढ़ाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में उस तरीके के नहीं आ पाते हैं। तो आपको तैयारी जो है किसकी करनी है, पेपर वन में आपको बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान जीके का जो 80 मार्क्स का है उसमें आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। 80 में से 80 मार्क्स जो है वो आप लेकर आइए, इस तरीके से तैयारी करिए। और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपकी वर्ल्ड और इंडिया की है उसमें करिए आप 40 मार्क्स, वहां आप लेकर आइए 60 मार्क्स, वहां आप लेकर आइए। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो आपका है 40 मार्क्स का, तो वहां भी आप लेकर आ सकते हो। लेकिन करंट अफेयर जो है उसकी क्या होती है, देखिए बिल्कुल सच बात है ये कि उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज्यादा बड़ा होता है और आपके सिलेबस में राजस्थान का करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। फिर भी हम लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चों ने कोर्स ले भी लिया है और उन्हें पता है कि सिलेक्शन जो है कैसे होता है। सिलेक्शन होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब नोटिफिकेशन भी आपका नहीं आया होता है, और जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपका हिस्ट्री जो है वह आधी आपकी पूरी हो चुकी होगी। अब कुछ बच्चे जो हैं अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा टाइम के बाद करेंगे, अभी तो हमने एग्जाम दिया था। तो देखिए आप लोग जो है कंपटीशन के दौर में नहीं आते होते, कंपटीशन के दौर में वही बच्चा आता है जो एक एग्जाम दिया और झट से दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग गया। तो आज का वीडियो मेरा यही बताने का है कि आप लोग जो है तैयारी जिस तरीके से रीट में फुल मोटिवेशन के साथ और आपने एक एक पॉइंट को इस तरीके से याद कर लिया था, रट लिया था मेरे द्वारा आप लोगों को जो भी करवाया गया था SST का, तो देखिए आपने खुद ने देखा है कि 60 में से आपके 54 या 52 समथिंग जो है क्वेश्चन या 56 जो है वो आपके हमारे सिलेबस से ही आया जो हमने करवाया था। ठीक है, हमने जो करवाया था उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम आया था। बच्चे बार बार मुझसे बोल रहे थे मैम 11th 12th की बुक कराओ, 11th 12th की बुक कराओ, अंत तक मैंने नहीं कराई। मुझे पता होता है कि आप लोगों के एग्जाम में क्या पूछा जाना है, पेपर इतना इजी था कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना था। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में हो जाता है कि 2-3 क्वेश्चन जो है वह आते हुए भी गलत हो जाते हैं और आप लोगों से हुए भी होंगे। उसका रीजन क्या होता है कि हम बार बार उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में और फिर हम उसका सही आते हुए भी गलत पर टिक कर देते हैं। तो यहां पर क्या है कि अब आप रीट के जो तैयारी थी वो उससे आप बाहर निकलिए, कट ऑफ कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी उससे बाहर निकलिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में, सिर्फ सोच सकते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट जो है वो आप लोगों को नहीं करना है। रीट में आप लोगों ने कितना अच्छे तरीके से टाइम निकाला था, जिनके पास टाइम नहीं है, कई क्या होते हैं कि जॉब कर रहे होते हैं और जॉब करते करते भी उन्होंने रीट का एग्जाम दिया था, उन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसका रीजन क्या था कि मेरे द्वारा उनको बिल्कुल सटीक तरीके से वो तैयारी करवाई गई थी जो आपके एग्जाम में आनी है। आउट ऑफ कोर्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया था, चाहे आप लोगों ने कितना भी मुझसे डिमांड किया फिर भी मैंने नहीं कराया था। कुछ बच्चों को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, उन्होंने कह दिया था कि मैम जो आप करवा रहे हो हम वही कर रहे हैं और हमने इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा है। तो मानिए उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास किया था, तो उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जो लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। उनको पता है कि यहाँ एकदम सही से आप लोगों को गाइड किया जाएगा, आपको कहीं गलत राह पर नहीं ले जाया जाएगा। जो हम लोग करते आए हैं वही हम लोग आप लोगों को करवाएंगे। ज्यादा दिखावा जो है उससे क्या होता है कि बच्चे जो है आजकल ये मैंने देखा है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती है उसमें इतना ज्यादा दिखावा कर देते हैं कि बच्चे जो है उस पर इम्प्रेस हो जाते हैं और झट से कोर्स ले लेते हैं। कई बच्चे तो क्या करते हैं, 1-2 नहीं 3-4 कोर्स लेते हैं। वो सोचते हैं जितने ज्यादा कोर्स लेंगे उससे क्या होगा, हमारे नंबर उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं होता है, इस चीज को आप माइंड से निकाल दीजिए। बिल्कुल अच्छे से सोच समझ कर कहीं पर भी किसी एक का कोर्स लीजिए, चाहे आप यहाँ लर्न विद नीमन पर कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वहां चल रहा है और आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या करें, कहीं पर भी किसी भी कोचिंग का कोर्स लें, लेकिन एक ही लें और खुद की सेल्फ स्टडी, एक कोर्स और खुद की सेल्फ स्टडी।
तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद देखते होंगे यूट्यूब पर आए दिन आप देखते हैं किसी की फर्स्ट रैंक आई है, किसी की सेकंड रैंक आई है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि कंसंट्रेट करना केवल एक चीज पर, एक चीज पर ध्यान रखते हैं और खुद की सेल्फ स्टडी पर। क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला आपको घोर कर नहीं पिला देगा, वो सिर्फ आपको कंटेंट दे सकता है और आपको सही राह दिखा सकता है। तो सभी अपना जो है वो बेस्ट ही देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गलत राह पर ले जाए। लेकिन फिर भी आपको सही चीज का चुनाव करना है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। अब देखिए, रीट का एग्जाम जैसे ही हुआ था और थोड़ी सी सूचना आने लगी थी कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, कुछ बच्चों के जो है वो मेरे पास फोन आने लगे थे। मैं फोन नहीं उठाती हूँ। उसका रीजन क्या है कि इतने सारे फोन उठाना जो है वो संभव भी नहीं होता है। जिस तरीके से व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप लोगों को, तो वहां आप कोई भी क्वेश्चन जो है, जो भी आपके मन में उठता है वो आप पूछ सकते हैं, तो वहां जवाब देना संभव हो पाता है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहां आपको जवाब मिलता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने किसी का जवाब नहीं दिया हो, क्योंकि सभी के मन में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं आई हूं, बस मैं यही बताने आई हूं कि आप लोग किस चीज की तैयारी करोगे, फर्स्ट ग्रेड की करोगे कि सेकेंड ग्रेड की करोगे। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग डिसाइड करिए कि जब नोटिफिकेशन नहीं आया है और हम अपने टाइम का कैसे अच्छे से यूज करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। तो इसी वजह से कई बच्चे जो हैं उन्होंने हमसे पेपर वन का, जीके का, जो 200 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, इसका कोर्स ले भी लिया है और तैयारी कर भी रहे हैं। अब जो बच्चे कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो वो ध्यान से सुनिए। तो देखिए, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं होता है कि आपको कंपलसरी है कोर्स लेना। जिनको भरोसा है, विश्वास है और जिनको लगता है कि हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे रीट के, तो वहां हमने 100% दिया था, जो मैम ने करवाया था वही आपके एग्जाम में आया था और आगामी में भी यही होगा। तो जिनको भरोसा है वो कोर्स ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लिया है और कुछ कहते हैं कि मैम इतना कम जो है आपने अमाउंट कर रखा है। तो मैंने उनको ये भी बताया कि कम के बावजूद जो है, कम बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि मैम इतना ज्यादा अमाउंट क्यों है। मुझे पता है वो लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो बेरोजगार होता है उसके लिए एक रुपया जो है खर्च करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो इंसान कमाता है उसे हर एक कॉइन की वैल्यू पता होती है। और जिनको सुविधाएं मिल जाती हैं बहुत सारी, तो उनको इतनी ज्यादा परवाह नहीं होती है। वो लोग तो दो कोर्स लेते हैं, तीन कोर्स लेते हैं, जैसे कि इतना सारा इकट्ठा कर लेंगे कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, जबकि वो पढ़ नहीं पाते हैं। असल में वही बच्चे जो हैं भीड़ इकट्ठी करते हैं एग्जाम में। कंपटीशन में भीड़ इकट्ठी किन बच्चों की होती है? जिन बच्चों को भरपूर सुविधाएं मिल जाती हैं और जिनको अंत तक ये समझ में नहीं आता है कि हमने इतना सारा कोर्स ले लिया है, अब हम पढ़ें किसको। सक्सेस वही होता है जिसको परिस्थितियां सही नहीं मिलती हैं, क्योंकि वही जानता है समय का कैसे प्रयोग करना है। और एक एक जो घंटा होता है उनके लिए ऐसा रहता है कि हम ये वाला काम अपना पूरा कर लें, फिर हमें पढ़ाई करना है। ऐसे करते करते वो सफलता हासिल कर जाते हैं। तो आपको भी यही करना है। जिन बच्चों को परिस्थितियां सही नहीं मिल रही हैं, तो उसको अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जैसी भी परिस्थितियां हैं। क्योंकि देखिए, सफल इंसान के पीछे कभी भी सही परिस्थितियां नहीं होती हैं। कठिन परिस्थितियों से गुजरकर ही वो इंसान जो है सफलता हासिल करता है। तो ये सोचिए कि ये मेरी ही स्टोरी है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में आप लोगों की 10,000 समथिंग वैकेंसी आएगी। तो इसे कम नहीं आंकना है, 10,000 वैकेंसी बहुत होती है, जिसमें हर सब्जेक्ट की जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पेपर होते हैं, पेपर वन जीके का होता है 200 मार्क्स का, और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका होता है 300 मार्क्स का। तो यहाँ हम 300 मार्क्स का जो पेपर होता है उसकी बात नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है कि सिलेबस पहले आप आने दें। इसी वजह से पेपर टू जो है वो कोर्स में स्टार्ट नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा पेपर सेकंड में अगर ज्यादा चेंजमेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। अब यहाँ पेपर वन मेरे द्वारा स्टार्ट हो चुका है और लगभग हम लोग आधा जो है वहां पर पहुंच भी गए हैं। हिस्ट्री हमारी चल रही है,
तो जिन बच्चों ने कोर्स लेना है तो वो ले सकते हैं। आप लोगों को वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो डाला जा चुका है और सर ने जो है वो व्हाट्सएप नंबर दिया है जिस पर आप पूछ सकते हैं कि कोर्स कितने का है, क्या है, इसमें क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप तैयारी में जुट रहे हैं सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल जो है वो बनाइए। सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम टेबल बनाना। छोटे बच्चे से ही सीखिए आप कि वो सुबह जगता है और फिर अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है, और स्कूल से टाइम से ही आता है, फिर वो जो होमवर्क है वह करता है, उसके बाद चाहे वह खेलता होगा, रात में वह पढ़ता होगा और वह फिर सो जाता है। तो एक छोटे बच्चे का भी देखिए टाइम टेबल होता है। जो माएं होती हैं वो क्या कहती हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपने उस बच्चे का टाइम कैसे बांधा, तो इसी तरीके से आपको भी बांधना है। जरूरी नहीं होता है बड़ों से ही कुछ सीखा जाए, छोटे बच्चे से ही सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाना है आपको। थोड़ा सा हल्का फुल्का लाइटली जो है वो टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करिए। एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे जो है वो जरूर निकालिए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस उठाइए। सिलेबस में सबसे पहले ये देखिए कि सिलेबस में क्या है, कौन कौन से पॉइंट जो है हमने पहले पढ़ लिए थे और अब हम कौन कौन से नए पॉइंट जो है वो हमें मिल रहे हैं। जो भी पॉइंट हमें मिल रहे हैं तो पुराने पॉइंट में उनको ऐड करिए। अभी मैं बताऊंगी कि आपको कहां से पढ़ना है। ये मैं उन बच्चों को बता रही हूं जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है या वो नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जिन्होंने कोर्स लिया है तो उनकी तो बिल्कुल सटीक तैयारी चल रही है। उन लोगों को मैं बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स से बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से करवा रही हूं कि उन्हें कुछ भी ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, केवल उतना ही पढ़ना है जो मेरे द्वारा आप लोगों को करवाया जा रहा है। अब देखिए सिलेबस जो है वो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। नेगेटिव मार्किंग है आपकी सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में। उसके बाद उठाइए आप पुराने पेपर उठाएंगे तो उसे ये आइडिया लग जाएगा आपको कि पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, क्या आपने जो रीट की तैयारी की थी, मान लीजिए हिस्ट्री का ही आप उठाइए, हिस्ट्री की तैयारी तो आपने पहले भी की थी, साइकोलॉजी की आप कर चुके हैं, और इनके क्वेश्चन जो है वो आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ आपकी कमी है, कौन से क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी होता है पुराने पेपर को सॉल्व करना ताकि आपको आइडिया लग पाए। ये बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे सोचते हैं कि हमें तो केवल सिलेबस देखना है और डायरेक्ट तैयारी स्टार्ट कर देनी है, तो देखिए कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हर बच्चा इंटेलिजेंट हो चुका है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी ना आता हो। पहले ऐसा होता था कि बच्चे जो हैं वो कुछ ही थे जो कि कंपटीशन के दौड़ में थे और उनमें से आधे बच्चे जो है उनका सिलेक्शन हो जाता था। आज की डेट में क्या है कि हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, यूट्यूब पर हर बच्चा जो है वो इतना जोर से पढ़ाई करता है और साधन जो है वो है इतने सरल हो गए हैं कि उसे बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी करने में जोर नहीं पड़ता है। तो ये सोचिए कंपटीशन बहुत हाई है तो इस वजह से आप लोगों को तैयारी जो है वह एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, कमी कहीं नहीं छोड़नी है। फिर आप किन बुकों का सहारा लेंगे, तो आप लोगों को देखिए जो ओल्ड बुक है RBSE की, अभी NCERT चल रही है स्कूल्स में, लेकिन देखिए जो कि आपकी पुरानी RBSE की बुक है उसमें इतनी ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो भी बताते हैं कि आप पुरानी बुकें मत पढ़ो, नई बुक पढ़ो, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जो पुरानी बुक है आपकी RBSE की 6 से लेकर 12 तक की, इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेपर 1 के लिए और साइकोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें से पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। तो मैं बार बार बता रही हूं आपको, जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है तो वो लोग इस चीज को सुन लें कि इनमें से आप क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे और हर एक जो पैराग्राफ होता है बुक में उनमें से एक एक क्वेश्चन जो है वो चुन चुन के निकालेंगे। इस तरीके से आप लोग नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, आपको इनके अलावा फर्स्ट पेपर के लिए सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो न्यू बुक है NCERT जो अब स्कूल में चल रही है, तो उसमें आप राजस्थान का GK 6 से लेकर 10th क्लास तक का
सिक्स से लेकर टेंथ क्लास तक का जो कि यूट्यूब पर स्टार्ट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर जो है वह अभी चल रहे हैं, आप लोगों की डिमांड पर ही चल रहे हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा, सिक्स से टेंथ तक के जो बुक है उसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, आपको ज्योग्राफी मिलेगी, आपको पॉलिटी मिलेगी राजस्थान की, और आपको पता है कि 200 में से 80 मार्क्स केवल आपका राजस्थान का जीके है, तो जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और इसमें से आप 80 में से 80 मार्क्स जो है वो ले सकते हो अगर आप बहुत ही बेहतर तरीके से सटीक तरीके से आप चलोगे। लेकिन चलना आपको अभी पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कुछ दिन बाद चलेंगे, तब तक बच्चे आगे निकल चुके होंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यही मैंने रीट में जब एग्जाम हुआ था तो एग्जाम को आने में बहुत टाइम लग गया था, तो 1.5-2 साल पहले ही मैंने इस चीज को आप लोगों को बता दिया था, बच्चों ने सुन भी लिया था। जो बच्चे सीरियस रहते हैं पढ़ाई के लिए उन्होंने सुन भी लिया था। उन्होंने 6 से 10 तक की जो RBSE की बुक है वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ डाली थी, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं किया है। बच्चों ने 60 में से 56 जो क्वेश्चन आए हैं उनको बहुत अच्छे से किया है। शिक्षण विधियों की हम मान लेते हैं कि हाँ भाई हो जाता है कि ऑप्शन जो है इस तरीके के होते हैं कि बच्चे जो है वो आंसर नहीं दे पाते हैं या गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि मुझे जानकर इतना ज्यादा खुशी हुई कि हाँ, क्योंकि मेरे द्वारा इतनी मेहनत की है, जो बच्चों ने मेरे से दुगना मेहनत की और इतने अच्छे मार्क्स लेके आए। इसी वजह से आप लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ, मैं खुद मोटिवेट भी होती हूँ कि जब इतना अच्छे तरीके से बच्चे कर सकते हैं तैयारी, तो हम और भी बेहतर कर पाए। तो इसीलिए हमने कोर्स जो है वह स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो है उन बच्चों के लिए है जो लोग पूछते रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। ये 200 मार्क्स में से आप 180 मार्क्स जो है वो इस तरीके से बिल्कुल लेके आ सकते हैं। करंट अफेयर की तो देखिए ऐसी बात होती है कि इतना ज्यादा होता है कि वहां पर श्योरिटी नहीं होती है कि आप 20 में से 20 लेकर आ सकते हो। और झूठ बोलना जो है वो मुझे नहीं आता है कि मैं आपसे बोल दूं कि 20 में से 20 करंट अफेयर में आप लोग लेके आ जाओगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं कोर्स की कि कोर्स में आप लोगों को क्या मिल रहा है। आप वीडियो भी देखिएगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले तो वही RBSE की जो आपकी ओल्ड बुक है, RBSE की जो ओल्ड बुक है, तो उसमें आपको 6 से 10 तक की पूरी बुक जो है उसके क्वेश्चन आंसर भी ऐसे हैं कि एक पैराग्राफ में मान लीजिए 4 लाइन इम्पोर्टेंट है, तो वो चारों ही क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, YouTube पर तो आपको मिल ही रही है। इसके अलावा जो कोर्स में बच्चे हैं उनको PDF मिल रही है। PDF का मतलब है कि अब उनको बिल्कुल सरल हो जाता है, यदि वह बुक नहीं पढ़ पाए हैं, 6 से 10 तक की बुक को पढ़ने में बहुत टाइम उनको लगेगा, तो उनके पास ये PDF पहुंच रही है और वो रेगुलर पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, जिसके बाद जैसे ही उन लोगों का पूरा हो जाता है हम लोग टेस्ट भी स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होती है, प्रैक्टिस हो जाती है। और राजस्थान GK इसकी बुक जो है वह मैंने YouTube पर भी स्टार्ट करवा दी है, तो 6 और 7 क्लास आपकी चल रही है, तो बुक रीडिंग भी करवाई है। इसके अलावा 6 क्लास जो है इसके मैंने क्वेश्चन आंसर जो है वह भी करवा दिए हैं। ठीक है, और PDF जो है वो आप लोगों को मिल भी रही है कोर्स के बच्चों को। और इसके साथ ही क्या चल रहा है कोर्स में कि जो मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये भी आप लोगों को मिल रहे हैं। और उसमें इन्हीं बुक्स से RBSE की 12th क्लास तक की बुक से या न्यू NCERT जो है उन बुक से निकाले हुए मैटर हैं और उनको एक ही जगह लाकर जो है वो संजो दिया गया है, ताकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो टॉपिक बिल्कुल मिलता रहे। तो देखिए भरपूर फायदा उठाइए इस चीज का, यदि आप अभी भरपूर फायदा नहीं उठाएंगे तो आगे जाके आपको परेशानी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारे द्वारा डाला जाएगा आप लोग तैयारी अपनी लगातार करते रहिए। थैंक यू।